नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे और आप देख रहे हैं द वेब न्यूज़। और आज के हमारे इस नए वीडियो में मैं बताने वाला हूं भारत के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। भारत 5 से 6 सालों के अंदर अपना पहला हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में सफल हो जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO MD अतुल ने कहा है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सच में हैं। 5 से 6 सालों के अंदर हम अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बना देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज और सबसे सटीक घातक हथियारों में से एक माना गया है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी और जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर भी किया जा सकता है। यह मैक 8 यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगा। आइए जानते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। इसरो ने 28 अगस्त 2016 को स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसे सुपरसोनिक कॉम्बुशन रैमजेट इंजन के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV सुपरसोनिक स्पीड ध्वनि की गति से तेज इस इंजन का उपयोग किया जाएगा। स्क्रैमजेट का इंजन का कुल वजन 3277 किलोग्राम है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप लैंड अटैक सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे युद्धपोत पनडुब्बी फाइटर जेट या ज़मीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकेगा। इसका फायदा यह होगा कि चीन या पाकिस्तान के टारगेट को खत्म करने में इसे कुछ सेकंड ही लगेंगे। इसकी गति इतनी ज़्यादा होगी कि रडार पकड़ में भी नहीं आ पाएगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बीजिंग हवाई सुरक्षा को भेजते हुए ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन के बीच से चाकू। यह हवा में अपने दिशा बदल सकता है, टारगेट का पीछा करके उसे खत्म भी कर सकता है। इसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी ग्लाइड कंट्रोल रिजीम MTCR तकनीकों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नियंत्रित किया जा सके। आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है जो साउंड की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकेगा उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। यानी 1220 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल की यह खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। इसरो ने मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इस HSTV हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। भारत में HSTV परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है और इसे यान यात्रा भी किया जा सकता है और पलक झपकते ही बम भी गिराया जा सकता है या फिर यान को ही बम बनाया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लेते ही पूरी दुनिया के लोग भारत के ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। अमेरिका के एक सीनेटर ने कुछ दिनों पहले तकनीकी मामले में उनके देश को मिल रही चुनौती का जिक्र करते हुए भारत का नाम लिया। सीनेटर जैक रीड आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक मीटिंग में कहा, एक वक्त ऐसा था जब तकनीकी मामले में हमारा बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरे विश्व में भारत का बोलबाला बढ़ रहा है। और अब देखना यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल कब तक हमारे सेनाओं के पास आ जाती है। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वेब न्यूज़।